क्या बात है? रेडी पता
पिताजी उस रुदाल जुग जुग जियो तो के उम्र राख बरस जैसे नीर बढ़े गंगा की वैसे उम्र बढ़े तुहार रुदल राम मोहब्बा को शुभ समाचार सुनाओ जो कैसे रहता है राम मोहब्बा में हो मुझसे शादी मांगा और बोला भैया आधा के शादी भैया मलखा के शादी भैया लाखन के शादी और तीन तीन शादी उदल तुम्हें कराया है एक शादी मुझे करा दो उदल देखी मैं तो नासे के बहकाम में आकर के भाई देवा को चापी कोरा से मार दिया देवा मुझसे रुठ करके नंग नग्न पिंजरी आया है पिताजी आप मेरे भाई देवा को दे दीजिए मैं लेकर मोहब्बा जाऊंगा रुदाल तुम तीन तीन शादी किया तो वही देव नंदन करवाया एक शादी को कारण तुम चापी कोरा से मार करके देव नंदन को तुम भगा दिया वो तो आया था यहाँ से फिर भेज दिया है राज मोहब्बा और तुम आया है झूठ बोलने के लिए नहीं पिताजी नहीं देवा मुझे मोहब्बा नहीं गया है मोहब्बा नहीं गया है वो भी उतार दिए उदय महाराज ऐसे हैं कि जब नानिया जी का उठ जाती है तो उन्होंने भोग चढ़ा देता है मनुष्य का हो सकता है कि देव नंदन बाबू का भोग चढ़ा करे रुदल यहाँ से गया है देव नंदन राज मोहब्बा तुम खोजने आया है यहाँ क्या हमारे बेटा को तुम कहाँ रख दिया किसी को जाकर के तुम बलि चढ़ा दिया हो छोड़ूंगा नहीं जैसे जो हमको बेटा को मारा है वही तुमको चा मरा देगा बदलो को मारो चापी कोरा से मारो फाइट
कौन भोगेगा राज मोहब्बत रे? चलिए महाराज। कौन भोगेगा राज पियरी? कौन भोगेगा महाराज? चलिए उसको चलो हे भैया दुर्गा तारे से ही करी हो करम गति तारे से करम गति जरूर मिला दूंगी, लेकिन अभी तक मेरी स्वामी जी नहीं आए। माँ हे दर्शन देखाओ सात बहन बोलेगी बेटी। माँ तुमने मुझसे वादा बनाकर गई थी कि बेटी सुखमालन तुम मुझे 8 रोज की मोहल्लत दो, मैं तुम्हारे स्वामी जी से जरूर मिला दूंगी, लेकिन माँ अभी तक तुम्हें कुछ नहीं देखती हूँ। माँ मेरे स्वामी जी है कहाँ? माँ अरे पगली तुम पागल हो? मैं पहले कह दी कि छोटी हो भोली हो भाली हो कुछ बुझने वाली नहीं हो। माँ तुम तो कब ने कब तुमको पिताजी की लाल बाग में आ चुकी है क्या? मेरे स्वामी जी मेरे पिताजी के लाल बाग में है। आहा तुम्हें कैसे जाऊंगी माँ? कोई उपाय बता माँ। सुन लो यहाँ तुम नागर गायपाला की जितने नर नारी तुमको जितने सखी सहेली है ना? हाँ माँ। उसको संग में ले लो और कहाँ चले जाओ? कहाँ? तुम अपने पिताजी की लाल बगीचे में। अच्छा क्योंकि बेटा देवा माली की भेष भी तुमको पिताजी
भी नकली बजा रहा है। मेरे स्वामी जी आ गए। हाँ बेटी आ गई जाता ना ये सेवा में चुकी है। मैं तुमको किस लिए बुलाई हूँ बादी? इसलिए मेरी संकट सहेली है ना जपानक में, तू सब कहीं बुलाकर और मेरी महल में ले आओ बादी। गिला दो यही बुला के फूल Thank you.
कभी काली नहीं हूँ। आप महल में जाके आराम कर, मैं अवश्य आऊंगी। Yeah.
बादी सेवा में जुट गई है। नहीं भैया जी, तो बंगला पाने का कारण क्या है? कोई में भाई हो कोई एक में बहन है। भैया जी वो लगी है देखी नहीं हूँ, इसलिए आपको मैं बंगला पढ़ाई हूँ। भैया जी आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं लाल बाग में सैर करने जाऊंगी। भैया सुखमाला, क्या तुम बोलती है? पिताजी को लाल बाग में जाएंगे? जब से तुम जन्म लिया है उस दिनों से तुम चौखट नहीं आई है। आज कह रही है पिताजी को लाल बाग में जाएंगे। सुनो, इस वक्त महान सुकुमार हन को विचार है पिताजी को लाल बाग घूमने का। तो खैर कोई बात नहीं है, दो भाई में एक बहन है। हर किला की मेरी दुश्मनी चल रही है, हो सके टोली घेर लेगी। रिकॉर्ड टोली घेरेगा मेरे बहादुरों, हो सके ये पूरी विचार है तो जाने दो लाल बाग में। क्या कोई पीर अगर डोली घेर लेना मेरे बहादुर, जाकर नतीम भाव खाए सा वो नहीं समझे पथिमु। रिकॉर्ड पीर दुनिया में पैदा लिया है कि मेरे बहन को डोली घेरेगा। भैया जी रावण पीर थे, बलवान थे, रघुबर छल में प्राण उसको ले गया। रोती है, ए बोलती है तुम भैया जी से बोलो मुझे दिल में ललसा लगी है। सुनो डोली सजा मेरे बहन को, आगे पुलिस पीछे पुलिस, डोली को साथ साथ जाओ। अगर कोई भी अगर मेरे बहन को डोली घेरा जाएंगे, महारानी को भी लेके जाएंगे। ठीक है जो तोरा झाड़ दिली जमावे के कोई जरूरी है? आई तो पता नहीं, नौकरी नहीं करवाई, नौकरी करवे आदेश देते तब आदेश है। डोली सजाओ, ले जाओ मेरे बहन के लाल बाग में, लागे डोली जो महारी करवा। अगर कोई फिर ये नौकरी ये करे डोली का ऊपर आहे में नगर उठा देना। लोहा सिंह बहन का डोली सदा डोली। महाराज आजकल तो कुछ गाते बजाते चलो चलो रे।